सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के कॉलम ने तहलका मचा दिया। कहते हैं नवाज शरीफ का कोई नजरिया नहीं, जिलावतनी और जेलें क्यों भुगतना पड़ी, बाजवा कभी अच्छा कभी बुरा और फिर अच्छा क्यों, कभी पंजाब पर डाकू चौधरी परवेज इलाही बुरा फिर चंद माह बाद अच्छा क्यों। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने नूर लीग की क्यादत से अहम सवाल उठा दिए। हामिद मीर ने अपने कॉलम में इमरान खान पर तो तनकीद की लेकिन नूर लीग को भी खूब आड़े हाथों लिया। हामिद मीर ने लिखा हुकूमती मनसूबाबंदी के मुताबिक जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ अब वही कुछ इमरान खान के साथ होने वाला है। नवाज शरीफ सियासी मुखालिफ के साथ होने वाले सलूक को करीब से देखने के लिए वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हामिद मीर ने नवाज शरीफ के सामने कुछ सवाल भी रखे। उन्होंने कहा आइंदा इंतखाबात में आपकी पार्टी और इत्तेहादी इसी तरीके से तो कामयाबी हासिल नहीं करेंगे जिस तरह 2018 में इमरान खान को कामयाबी दिलवाई गई थी। हामिद मीर ने लिखा पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जेल जाने और नवाज शरीफ के वतन वापस आने से मुल्क के आम शहरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुस्ताखी माफ, नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने थे तो हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी, इन उम्मीदों को उनकी हुकूमत ने बाकायदा कत्ल कर दिया।